थूक सूख जाएगी। जैक क्लैपिंग कर रहे हो। लक्ष्य कॉन्ग्रेचुलेशन। किस लिए? अरे दीदी अब तो बता दो, 7 बजे पता चल जाएगा। फोन दे बेटा, थूक मत भर दियो। ओए 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 ओए, क्या है सरप्राइज, क्या है सरप्राइज। फाइनली गाइस वो दिन आ चुका है। कितनी बेइज्जती हो गई हमारी। तो भाई कार्यक्रम शुरू हो गया है। हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम के लिए मां बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मुझे सुबह सुबह मिली है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी क्या है मैं ये बता देती हूँ। इस खुशखबरी का इंतजार मुझे कब से था, मुझे पायल को, चीकू के पापा को, मेरी पूरी फैमिली को बहुत टाइम से था। फाइनली मुझे मिल गई है, तो मैं आप लोगों को गुड न्यूज देने वाली हूँ व्लॉग के बीच में। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप व्लॉग को स्किप कर दो, व्लॉग को पूरा देखना है। और आप भी बताना कि आपको गुड न्यूज कैसी लगी है। तो मैं सोच रही हूँ गुड न्यूज सुनाने से पहले जितने भी लोग घर पर है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कर देती हूँ। तो एक एक करके सबको मुबारक देती हूँ। तो गाइस सुबह सुबह क्या हुआ है, सुबह सुबह मम्मी के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया। हुआ ये कि ना मम्मी अपना फोन चार्ज पे लगा के गई थी, तो मम्मी ने अपना फोन जो है वो तो निकाल लिया चार्ज से, और जो प्लग है वो भी बंद कर दिया। तो तूबा रानी आई, तूबा ने देखा चार्जर रखा हुआ है और उसने प्लग खींचा और ना चार्जर की जो केबल होते हैं मुंह में डाल ली, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए डाली। मैं फटाफट देख लिया, मैंने केबल निकाली। जैसे केबल निकाली तो केबल में आ रहे डिटेक्ट ये। तो मुझे लग रहा मम्मी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, थूक थूक सूख जाएगी, थूक सूख जाएगी। लक्ष्य कॉन्ग्रेचुलेशन क्या हुआ बताऊंगी, बताओ ना, बताऊंगी ना, इकट्ठे बताऊंगी सबको। चीकू हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन क्या हुआ बताऊंगी आपको, बताओ दो। सोना बताऊंगी, मम्मी मुबारक हो। किस बात की? बताऊंगी बाद में। अरे मुझे तो बता दे, मैं तेरी माँ हूँ। बाद में बताऊंगी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी। किस बात की दीदी? बाद में बताऊंगी। ठीक है। अयान अयान कॉन्ग्रेचुलेशन। जैक क्लैपिंग कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड क्लैपिंग क्लैपिंग, ये बहुत खुश है। तो यहाँ पे मम्मी की भी पैकिंग हो गई एकदम डन, और बस मम्मी के घर जाने का टाइम आ गया है। और अच्छा लगता है मम्मी जब रुक जाती है और हम लोग टेंशन फ्री कहीं पर भी चले जाते हैं। तो बस अभी चीकू के पापा पायल गए हुए अपने शूट पर, और मैंने भैया को बुला लिया कि मम्मा को आप छोड़ाओ, तो बस भैया भी आने वाले हैं। तो चलो ठीक है मम्मी, बाय है, मिलते हैं जल्दी। हाँ। दिल्ली आती हूँ फिर मिलती हूँ, ध्यान रखना अपना, पापा का, बच्चों का। हाँ मैं ध्यान रखूंगी। और पता है गाइस, कल मम्मी ने मुझे बताया कि जैद को थोड़ा सा ना हल्का सा कंजेशन हो रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखा दे। तो मैंने फटाफट डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको ट्रैक्स दिए, साथ ही साथ ना मल्टीविटामिन दिए। पहले वो छोटा सा ना मल्टीविटामिन एक बार लेता था, अब वो दिन में 2 बार डॉक्टर ने बोला है। तो बस बच्चों का थोड़ा सा ठंड का टाइम है, ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। ऐसे तो मैं रखती हूँ बट फिर भी मम्मी बहुत जल्दी कोल्ड कफ कैच हो जाता है। सर्दी है ना। अच्छा पायल को बोल दियो कि मैं जा रही हूँ। पायल को वैसे मैंने सुबह बोल दिया, ठीक है, शूट पे गई हुई है, तो मैंने कहा उसको बोल दिया। ठीक है ठीक है। तो गाइस यहाँ पर एक मेरा पार्सल आ गया है, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, इसको करती हूँ ओपन। और मैंने ये मंगवाए हैं चीकू के पापा पायल, मेरे लिए, चीकू के लिए, ठीक है। ये मंगवाए हैं मैंने वुलन वाले बैंड्स, और सच में इतने सुंदर लग रहे हैं ना, बटन वाले पहन के दिखाती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ना सर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और हम लोग ना कैरावैन में ट्रैवल करते हैं ना, जब भी ट्रैवल करते हैं ना, हमेशा ये होता है कि यार ऐसी वाली जो चीजें होती है ना, यही प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हवा मेरे कान में जाती है और कान से होता है सर में दर्द। और बहुत सुंदर लग रहा है, 2 कलर आए हैं इसके, बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, घर की सारी सेटिंग कर देती हूँ, जितना भी सामान सब फैल रखा है ना, सब एक एक बार सेट कर देती हूँ। और सेट करने के बाद ना एटलीस्ट ये होगा कि सामान ना टाइम टू टाइम मिल जाए, क्योंकि हम जब भी ट्रैवल पे जाते हैं ना तो हम सारा सामान इकट्ठा करते हैं। अब सामने वाला जो लगेज है वो भी मुझे करना है खाली। कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज भैया। किस लिए? बाद में बताऊंगी, बस कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन धीरज भैया। किस लिए भाभी, क्या हो गया? भैया मैं नहीं बता सकती, सब पूछ रहे, बाद में बताऊंगी एक साथ। ये तो फिर वही बात होगी, कम से कम पता तो चले किस लिए आप बोल रहे हो। मैं बता दूंगी, विश्वास नहीं है क्या? तो यहाँ पर आ गई है मेरी दवाइयाँ। दवाइयाँ में क्या क्या बताती हूँ, मल्टी विटामिन है, फिश ऑयल है, विटामिन ई है, आयरन की गोली है, और एक एसिडिटी की गोली है पेंटॉप, क्योंकि ना मुझे ना 3-4 दिन से ना ऐसा लग रहा है बार बार एसिडिटी। और पता नहीं गाइस क्यों मुझे ना बिल्कुल भी ना भूख कम हो गई है, मतलब पिछले 3-4 दिन से मुझे भूख लगती नहीं। अभी जैसे दोपहर के 2 बजने वाले हैं, मैंने सुबह से सिर्फ आधा कप चाय पी हुई है, भूख ही नहीं लगती। तो शिखा ना हमें लोहड़ी पे बहुत प्यारा गिफ्ट देके गई थी, खाने पीने का सामान था, और उसके साथ ना मतलब की डेकोरेशन में ये लगे हुए थे। तो मैंने क्या किया, वो डेकोरेशन आइटम जो यहाँ पे रख दी, और जितना खाने पीने का सामान था ना सारा कर दिया अलमारी में सेट। और गाइस सच में इतना काम फैला हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती। अब ये जितने भी कपड़े ना ड्रैकलिन से ये भी आए हैं, इन सबको भी सेट करना है। कल जो जूते आए थे हमारे लिए वो भी मैंने उस वाली अलमारी में सेट करे हैं।
तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो बेड है पूरा बेड खोल लिया। मैंने क्या करा है, हे थक गई, बैठ के बताती हूँ। यहाँ पे मैंने वाले कपड़े रखे गर्मियों के जो बच्चों को पहनने हैं अगली गर्मियों में, जैसे कि ये सारे कपड़े बहुत बड़े हैं तो ये कपड़े बच्चों के पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे सारे, तो ये सारे कपड़े मैंने इस साइड रख दिए, बच्चे गर्मियों में पहनेंगे। और इधर मैं वाले कपड़े रख रहे जो बच्चों को अभी नहीं आते हैं, तो बहुत ज्यादा छोटे हो गए, क्योंकि अगर हमें किसी बच्चे को देने होंगे तो हमें पता होगा कि यहाँ से कपड़े निकालने हैं और दे देने हैं। और मैंने क्या करा, मैंने सारा सामान ना पीछे हमारे जितने भी लहंगे हैं, जितने भी हमारे क्या बोलते हैं, जितने भी लहंगे हैं, जितने भी हमारी शेरवानी, हमारी कह रही सॉरी, चिबू पापा की शेरवानी है, कोट पैंट है, ब्लेजर सेट है, सारे वो निकाल दिए। वो मैं सोच रही हूँ कि मैं उस साइड रखूँ ताकि ये साइड पूरी की पूरी बच्चों की हो जाए। तो गाइस मैं सोच रही हूँ जैसे ये जो फ्रॉक है ना, ये तूबा ने सिर्फ एक या दो बार पहनी है, बिल्कुल नहीं पड़ी है। तूबा को हो गई छोटी, क्योंकि बच्चों का जो हाइट है ग्रोथ है जल्दी बड़ी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ जो कपड़े छोटे हो गए बच्चों को अभी वो कपड़े निकाल देती हूँ और पायल का वेट करती हूँ। तो मैं और पायल जाएंगे और जिन बच्चों को इस कपड़ों की जरूरत होगी ना उनको देकर आएंगे, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है। तो मैं चाहती हूँ कि सर्दी के अंदर ये कपड़े ना एटलीस्ट यूज हो जाए। तो अभी जो जो कपड़े मेरे को निकालने हैं वो सारे अलग रख देती हूँ। कांग्रेचुलेशंस। किस बात की कांग्रेचुलेशंस? ये तो हमें भी नहीं बताया, ये दीदी बताएंगे। ठीक है, पूछती होगी। अरे दीदी अब तो बता दो, सब पूछ रहे हैं। बस कुछ नहीं, मेरे पर रिसीप्ट आ गई है और मैं सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, शाम के 7 बजे पता चल जाएगा सबको। ठीक है, स्टे ट्यून। आयान मेरा नानू। तो गाइस यहाँ पे मेरा नानू बच्चा बैठा हुआ है। मेरे साथ मैंने चला दिया गीजर, क्योंकि मेरा पानी हो जाएगा गर्म। फिर मैं जाती हूँ शावर लेने के लिए, सर पे तेल लगा लिया था, पर आप क्या कर ले हो, आप क्या कर ले हो? और आज मैं बच्चों के साथ करूंगी फुल मस्ती, क्योंकि बहुत दिन बाद हूँ घर पर, तो आज रहूंगी पूरा दिन अपने बच्चों के साथ। ये करेंगे पार्टी, ये करेंगे पार्टी, ये करेंगे पार्टी, हम करेंगे पार्टी। तो गाइस मैं ना इसको हंसाती हूँ, आप देखना है। देख अयान 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 देखो गुए। तो गाइज ये बहुत फायदा होता है ना, शूट घर के पास हो रहा है, क्योंकि पायल का पहले फोन आया कि गोलू एक सूट भिजवा दे, मैंने सूट भिजवा दिया। फिर मम्मा का फोन आया कि गोलू की ब्रेसलेट चाहिए हाथ में पहनने के लिए, क्योंकि देखो वो वन पीस पहन रहे ना, बिना हाथ के ब्रेसलेट बिना इयररिंग्स के लुक नहीं आती। इयररिंग्स तो पायल ले गई थी, तो अभी मैं ब्रेसलेट निकाल देती हूँ मम्मा के लिए। कोई आएगा जो मैं उसको दे दूंगी बैशे। तो यहाँ पे ना मैंने पायल की सारी पैकिंग कर दी है। पायल के लिए मैंने शॉल भी रख दिया, उसने कहा था शॉल रख दिया, मैंने फिर भी अपनी तरफ से कैप भी रख दी, एक सॉक्स भी रख दी, ग्लव्स भी रख दी है। इसके अंदर मैंने पायल के इयररिंग्स, ब्रेसलेट और गले के नेकलेस ये सब, और एक बिंदी का पैकेट, एक चीज और रह गई थी जूती। हाँ जूती रह गई, जूती भी डाल देती, बाकी सारा सामान हो गया पैक। तो मैं ना पायल के लिए ना गूंद के लड्डू भी पैक कर देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, तो वो ज्यादा कुछ तो बाहर का खाती नहीं है, तो मैं लड्डू पैक कर देती हूँ। मम्मा का लगता है फोन आ गया। तो गाइस आज कर रही हूँ मैं घर की डीपली सफाई, क्योंकि इतने दिन से पहले मैं वृंदावन गई हुई थी, वृंदावन के बाद हमारा घर में लोहड़ी का फंक्शन था, फिर शूट था, तो आज मेरे को टाइम मिला, मैं घर की सफाई कर रही हूँ। और घर के अंदर हर एक कोनों में इतना सामान भरा पड़ा है ना, आपको दिखाती हूँ। देखो ये है हमारे सॉस के पाउच इतने सारे, और ये ना लटक रहे इतने दिनों से, ये नहीं कि ये इसको कोई सही करे नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही करती हूँ। हर जगह जगह सामान पड़ा हुआ है, सारा सामान ना अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। और साथ ही साथ ना मैंने ना सारे वॉशरूम में ना इतने सारे खाली डब्बे पड़े हुए थे, कहीं शैम्पू का डब्बा पड़ा है, कहीं कंडीशनर का डब्बा पड़ा है, कहीं फेस वॉश का डब्बा पड़ा है। सारे जो हैंड वॉश वाले पंप थे वो सारे खाली थे, वो सारे के सारे मैंने फिल कराए। वहां गई, वहां जाके पैंट्री पूरी की पूरी सेट करी, और जितना भी सामान वॉशरूम में चाहिए था ना वो सारा लेकर आई और सेट कराए। तो पिछले 2 घंटे से सोच रही हूँ मैं नहाने अब जाऊं। एक बार मैंने गीजर ऑन करके ऑफ कर दिया, फिर दोबारा ऑन करके, अब मैं बस ऑफ करने वाली हूँ, अब जाऊंगी शावर लेने के लिए। और पिछले 3 दिन से पायल से मैं कह रही हूँ, मैंने कहा पायल हमारा अडैप्टर मिल नहीं रहा, हमारा अडैप्टर मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया पायल के लिए गोलू, लगता है इधर उधर हो गया, मेरे को भी नहीं मिल रहा। अब जाकर मैंने घर की सफाई करी, अब जाकर ये मेरे को अडैप्टर मिल गया। कांग्रेचुलेशन निक्की। किस बात के लिए थी? बाद में बताऊंगी शाम को। ठीक है, तो शावर हो गया एकदम डन, और टाइम हो रहा है 4:30। तो अभी मेरे टाइम हो गया है लंच मील लेने का। तो गाइस आजकल मैं फुल ऑन डाइटिंग पर हूँ, और पहले से मेरा काफी ज्यादा वेट रिड्यूस हुआ है, और कमेंट्स भी आ रहे थे, और मैं और पायल डाइटिंग पे, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ आपको थोड़ी बहुत डाइटिंग अपनी दिखा देती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में खाए थे बॉइल्ड राइस और साथ में बॉइल्ड सोया चंक्स, जो कि अभी किचन में होंगे, दिखा देते, थोड़े से बचे हुए हैं। और अभी जो मैं आफ्टरनून की मील ले रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो ये वाली थी मेरी सुबह का ब्रेकफास्ट मील, इसमें कुछ भी नहीं है, अनियन है, टमाटो है, कैरेट है और सोयाबीन बॉइल, तो इसको मैंने खाया था राइस के साथ मिक्स करके। तो गाइस ये है मेरी सेकंड मील, जो कि है मेरी दोपहर की मील। इसमें कुछ भी नहीं करी, सिंपल ले रही हूँ इस बार। तो मैंने दही फेंटा है, दही है, साथ में जाएंगे अनार। ठीक है, आप कोई भी अपना फेवरेट फ्रूट रख सकते हो, मेरा फेवरेट फ्रूट है अनार, तो मैं इसमें डाल रही हूँ अनार और थोड़े से काजू। काजू में 2, क्योंकि काजू में फैट होता है, तो 2 काजू, बादाम और पिस्ता। तो इसको मैं मिक्स करूंगी और साथ में खाऊंगी, बहुत ही डिलीशियस होता है ये।
तो गाइज आप इसमें ना रेजिन्स भी ऐड कर सकते हो, किशमिश भी ऐड कर सकते हो। मुझे किशमिश नहीं पसंद है तो मैंने नहीं डाला, और कोई भी फ्रूट कट करके डाल सकते हो, जैसे एप्पल हो गया, कीवी हो गया, बनाना हो गया, कोई भी फ्रूट, बट बनाना मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि बनाना से थोड़ा सा गेनिंग होती है। तो यहाँ पे चीकू भी आ गया शूट से। कैसा रहा बेटा शूट? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मजा आया। मम्मी कैसी लग रही थी? बहुत अच्छी। तो गाइज अभी मैंने इंस्टाग्राम पे चेक किया, पानी रेड कलर का सूट पहना था, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ज्यादा सुंदर, कमाल की। मैंने फोन करके स्पेशली कॉम्प्लीमेंट करा कि मजा आ गया देख के। तो यहाँ पे दो भाई ना कुछ सलाह कर रहे थे, जब मैं आई ना तो मुझे देख के हट गए, और आजकल इन्होंने नई टेक्निक देख ली है, कहीं पर भी जाते हैं कोई भी ड्रॉअर दिखता है वो खोलने लग गए हैं, कुछ भी करने लग गए। ओ भाई वॉकर, भाई वॉकर जरा गिर जाता, सीधा चलो सीधा, मुझे लग रहा है इनको रास्ता भटक गए हैं। आओ आप तो नहीं भटके बेटा, आपको समय लेके जाना पड़ेगा, चलो चलो। ये अभी थोड़ी देर पहले ये जो आखिरी वाला ग्लास है ना लक्ष्य, ये भी टूटने वाला था, इसके बिल्कुल हाथ मिल था और एक ग्लास पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बेटा आप तो हर एक चीज ना ऐसे सावधान होकर रखें। हाँ बेटा बोलो। तो गाइस मेकअप हो गया एकदम डन, कमेंट करके बताना कि आपको जो मेकअप है कैसा लगा। मुझे हाईलाइटर लगाना ना बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा हाईलाइटर बहुत ज्यादा फेवरेट है, और किसी दिन ना फ्री होकर मेकअप ट्यूटोरियल पक्का दूंगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेकअप का बताओ। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मेकअप भी कर लिया, पूरे व्लॉग में सबसे कांग्रेचुलेशन भी बुलवा लिया, अभी तक नहीं बताया कि क्या सरप्राइज है, क्योंकि अभी बजे है शाम के 6, कुछ देर में जो मेरा सरप्राइज है ऑन द वे है, आने वाला है, तो मैं आप सभी को अपनी पूरी फैमिली के साथ सरप्राइज दूंगी, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस सरप्राइज के लिए। बस वो ऑन द वे है, मेरे को आज 3-4 घंटे लग गए उस सरप्राइज को प्लान करने के लिए, तो बस कुछ स्पेशल है जो आ रहा है। शाम हो गई है, सरप्राइज कब बताओगे? कब बताओगे दीदी? बता दो ना, अब तो बता दो, आने वाला है आधे पौने घंटे के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो आजकल ना फोन भी सेफ नहीं है, ये किसका फोन पकड़ा है इसने, देखना ओए फोन तोड़ेगा लड़के, फोन दे जय जय, फोन दे बेटा, थूक मत भर दियो, ओए 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 फोन लो, फोन लो। तो गाइस सबसे अच्छे जैद अयान तू भाई है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे कि मम्मा क्या सरप्राइज है, बस मैं ना वेट कर रही हूँ चीकू के पापा और पायल का आने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो खुशी है ना मैं सबके साथ बांटू, ऐसा ना अकेले अकेले सेलिब्रेट करूँ, नहीं, इन सब में सबका हक है। तो सब आ जाएंगे तब करेंगे पार्टी, तब करेंगे पार्टी। तो भाई आज सरप्राइज है सभी को, बता गोलू तूने सरप्राइज रखा। तो आज सुबह से आप लोग थक गए होंगे, क्या है सरप्राइज, क्या है सरप्राइज, तो बता देती हूँ सरप्राइज ये है कि बच्चों की अफसाना बुआ आई है बच्चों के लिए, और साथ ही साथ आज है जैद का टूथ आ गया, मतलब पहला दांत आ गया। फाइनली गाइस वो दिन आ चुका है हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे बच्चों का टूथ पार्टी। हमने यही सोचा था, पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी पहुंचे हैं अरमान भाई के घर, और कृतिका भाभी बोलूं जब बुआ ही बोल दिया तो भाई भाभी पायल भाभी, सो बहुत प्यारे बच्चे हैं ये स्मार खान जो तीनों चारों, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने काफी समय से इस पार्टी को ना डिले कर रखा था, क्योंकि देखो तूबा का भी आ गए थे, अयान का, हम वेट कर रहे थे कब जैद का आए, तो तीनों बच्चों का एक साथ हम टूट पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। तो केक जो है गोलू ने बहुत दिमाग से बनवाया है, केक दिखा देती हूँ आपको पहले। ये पहचान जी बिजी रहते हो, अरे भाई पूछो मत, मतलब हमारा सारा दिन यहीं में निकल जाएगा। ये कौन सी बात करती है, शाम से बोलते कुछ नहीं बता, ओ ले ले थोड़ी सी ना, ये सब वहां पे गई है थोड़ी सी, मैं लगे रोती रहती हूं और क्या। अच्छा Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. इसको पार्टी में लेके ना बोले तू, क्या पार्टी में लेके ना इसको, अच्छा कोई सॉरी सॉरी, ये गुस्सा आ रहा है, इसके 6 दांत आ गए और पार्टी आज कर रही है। बेटा भाई का वेट कर रही थी ना, भाई सबसे लास्ट में था ना, भाई का वेट करना था ना, सबसे बड़ा था वो, सबसे बड़ा था, इतनी बेइज्जती हो गई हमारी कि सबसे लास्ट में 6 एक दांत भी नहीं आया, और वो भी आज पता क्या है, दांत का कोना किनारा नहीं होता तीखा तीखा, वो हल्का सा है, कोने आ तो गया, आ तो गया, चलो आया लगा। ये लड़का इतना शांत है, हम सोच रहे सारी प्रॉपर्टीज के नाम है ना, बहुत शांत है वैसे, एक एक बार भी नहीं बोला, जैसे मैं नहीं बोलता ना इनके सामने, वैसे ये बात मत बोलो आप, ये तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो? तारीफ की है, ये थोड़ी तारीफ होती है, ऐसे बोलो, ये नहीं बोलती मेरे आगे, चुप रहती है ऐसे, दीवार से खड़ी होती रहती है, रहती है सारे मेरे हुक्म मानती, ये बोलो, ये थोड़ी बोलो, झूठ थोड़ी बोलो, ऊपर वाले से डर के झूठ। तो भाई आजकल मैं ये बता देता हूँ बच्चों की बुआ आपको दिखने वाले, क्योंकि हमारे घर के सामने रहते हैं, और कभी हम उधर कभी ये इधर, तो आज हो जाए फिर केक पार्टी। हाँ जी चल भाई, हाँ आजा तू, पता कौन है? हाँ। तूबा, तूबा। वो कब से वेट कर रही है अपनी पार्टी का कि कब होगी कब होगी, जैद के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए हम, कोई बात नहीं चलो तूबा। तो भाई कार्यक्रम शुरू हो गया है, सबसे ज्यादा वेट किया है तूबा ने, क्योंकि तूबा के सबसे पहले दांत आ गए,
फिर आए थे अयान के और फिर जैद के। तो जैद की खुशी में आज तीनों की बारी आ गई है ना भाई। इसका वेट कर रहे थे हम कि इसके निकले तो हम पार्टी करें। टूथ पार्टी फॉर द फ्यूचर, हैप्पी टूथ पार्टी थ्रियो। ऐसे अच्छे अच्छे दांत निकालते रहो, हंसते रहो, खाते रहो। चलो हाँ तूबा, सबसे पहले खाओगे आप। लो देन अयान खा लिया इसने। जैद जैद ये टेस्टी केक बनाया, जिसने बनाया बहुत टेस्टी केक। मैंने वनीला एंड चॉकलेट करवाया था। चॉकलेट थोड़ी है इसमें, नहीं करवाया अंदर है। अच्छा लो जी, वो आकर है। अयान खाओ, वेरी गुड। खा लो अयान, चक्को चक्को काम चक्को, वेरी गुड। ये क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग क्लैपिंग। तू बा कह रहे, मुझे और खिलाओ। मैं खिला देती हूं। केक कैसा लगा, सबको अच्छा लगा? अभी मैं सबको देती हूं और भी केक। पहले कॉफी पी लेते हैं ना, चाय जो भी है। आज लड्डू खिलाएंगे। ये लड्डू आपको दिख रहे हैं ना, ये पाल ने अपने हाथों से, ये हाथ से बने हैं। हां गूंद के लड्डू है। चलो आज निपटा दो सारा मीठा अलग और ये लड्डू अलग। थैंक यू सो मच फायर भाभी। तो बहुत अच्छा लड्डू खा के बताती हूँ, अच्छा है कि नहीं। खाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद ना मैं सोचता हूँ कि अफसाना बहन को ऊपर जिम दिखा दूँ और साज भाई फिर हम ऊपर जिम कर लिया करेंगे। हाँ जी ठीक है भाई, जब भी टाइम लगे इधर आ जाया करना। पर मैंने ना बेस्ट ट्रेनर तो हो ही आप। बस ट्रेनर तो मैं हूँ, इतनी तो मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि इससे पहले ना मेरी जिम थी हरियाणा में, तो मैं इसी जिम लाइन से ही था, ऊपर नीचे चलता रहता। तो भाई यहाँ पे साज भाई थोड़ी सी हमसे पूछना चाहते हैं, हमारी कहानी सुनना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने सुन ले। सुनो मुझे प्यार हुआ था। भाई देख मैं तो सबको बता बता के हुआ ये था कि चीकू का बर्थडे था, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड तो बाद में मिले, तो मैंने इसको बर्थडे पे इनवाइट किया और ये बर्थडे पे आई चीकू के, तो हमने वहाँ पे पार्टी वार्टी करके इसकी फोटो खींची थी इन्होंने। इनको पहले से शुरुआत से ना वीडियो बनाना, फोटो खींचना बहुत अच्छा, अपने फोन से खींची थी। उस टाइम म्यूजिक लिपे थे हम लोग, तो इन्होंने फोटो खींची और इसने ना मेरे से नंबर मांगा कि जीजू का नंबर दे दे, जीजू का नंबर दे दे मुझे फोटो ले ले। और मैंने इसको जीजू का नंबर दे दिया। अब इसने जीजू से फोटो मांगी होगी, फिर इसको कहीं जरूरत पड़ी होगी जीजू की, इसकी कोई बहन की, मेरे ना कोई कुछ ऐसा हो गया, तो मैंने इनको फोन किया ऐसे कोई हेल्प चाहिए तो आप आ जाओ, ना आपकी हेल्प चाहिए, तो ये आ गए। फिर बस ले गए सोशल वर्कर पूरे से मैं फिर कुछ नहीं पायल से जैसे नहीं, मिले जैसे मैं पूछना चाहती हूँ डुंगाई में लड़कियों की जो बात होती है ना कि जैसे ठीक है आपने बोला जीजू आ जाओ मुझे ले जाओ। नहीं इनके यहाँ पे ना इसकी कोई बहन की ना लड़ाई हो रखी थी पड़ोस में, तो पुलिस स्टेशन में खड़े हुए थे, तो वहाँ पे कोई था नहीं इनके साथ खड़ा बड़ा के लिए बड़ा, तो इसलिए इसलिए इनको फोन कर दिया कि मेरी ना इनसे बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। फिर हम हरियाणा वाले हैं भाई, खड़े हो जाते हैं कहीं भी जाके, ये आ गए। तो ओके जैसे आपकी बात हुई, आपकी आगे की बात बढ़ी, फिर शादी तक आए, छह दिन में कर ली थी, छह दिन में, छह दिन में पायल भी सेम, जैसे आप ये दोनों मिले छह दिन में शादी होगी। मैं इनसे मिली और मतलब ये लगा लो मुझे नहीं पता क्या था क्या, छह दिन में शादी, मैंने वशीकरण कर दिया था छह दिन में शादी। नहीं वो आपको इनका इसको पता था, अग्री हो गई थी आसानी से। वजह क्या, कुछ नहीं मैं इनसे प्यार करती थी, अब ये भी इनसे प्यार करने लगी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सारे मिलके प्यार कर लेते हैं। तो ये प्यार तो ऐसे ही बना रहा। नहीं ये प्यार एक बार खराब हो गया था हमारा, एक साल के लिए एक साल चली गई, एक साल के लिए हम सेपरेट हो गए। पहले हमारा सब कुछ ठीक था, शादी में भी थी मैं, सब कुछ सब सब चीज में थी मैं, फिर बीच में ना लोगों ने थोड़ा मैं अपने आप को समझा चुकी थी, पर लोगों ने मुझे ऐसा कर दिया कि नहीं अब नहीं रहना सब, या तो इसे रखो या मुझे रखो। तो भाई अभी एक काम करते हैं, अफसाना बहन की ना एडमिशन करवा देता हूँ मलिक जिम में। मलिक जिम में ठीक है ठीक है, फिर सारे इकट्ठे पतले होंगे। फीस मत देना, तुम हर महीने एक गाना कर लिया करना मेरे साथ। साथ भाई सही कह रहा ना, ठीक है ये डील अच्छी है। मैं मुझे कोई भी बंदा पतला नहीं कर पाएगा। तेरे भाई ने ना पतला के ना नाम बदल पक्का, ये प्रॉमिस। जुबान होती नहीं हूँ मैं, जुबान है मेरे को, ये पता है की मैं टूर पे जाऊंगा, गोलू तेरे साथ है यहाँ पे, और साथ में हमारी ट्रेनर है, इसके साथ वर्कआउट करेंगे ना, देखो ऊपर ना तो कोई होगा, तुम दो आदमी तुम दोनों करोगे वर्कआउट, अगर डेढ़ घंटा इकट्ठे वर्कआउट करोगे पतली नहीं होगी, लिख के ले लेंगे साथ। मेरे को छोटी बात बता, बुरा मत मानियो, साज तेरे साथ वर्कआउट नहीं करता था ना, साज अपना करते हैं, ये तेरे साथ करेगी, वो जो लेडीज को करना होता है तो पतली क्यों नहीं होगी। पता क्या मुझे बहुत सारे कहते ना कि लोगों ने बोला कि आपके ग्रह भाई
कोई ग्रह नहीं होते, पत्थर भी ना छोटा हो जाता है अगर उसको कोई करने वाला हो तो, मानते हो ना। वैसे मैं ना जितना ट्राई किया सी इतने लगी रही गर्मी च, मेरा असर ही नहीं होया। हुन मैं एरियल और प्लैटिस कर रही हूं। अच्छा अच्छा, वो लड़की है ना जो भवानी, भवानी को प्लैटिस आता है, भवानी मैं वो करती हूं और एरियल तो मेरा बेस्ट है, मतलब फेवरेट है। तो वो देखो आते ना, उसने असर पाया बॉडी खींच जाती है एरियल और वो क्या क्योंकि जिम जाते पहले रेडी होके जाओ। मेरे साथ क्या होता है, कभी कभी 10 बजे भी आ गई, 11 बजे शॉर्ट्स पहनी, टी शर्ट पहनी, ऊपर मेरे घर पे भी 2 मशीनें हैं। तो इतनी बड़ी तो उसकी मशीनें नहीं होती, उसकी भी पता है। गर्मी में कुछ करेंगे तो यहाँ बैठ के अपना खा पी लेते, नीचे से खाने पीने का मंगवा लेते हम, तो यही अपना वो वाला फील कर लेते हम। कैफे, कैफे वाला हम यहाँ पे लंजिस कर लेते हैं, एब्स कर लेते हैं, रस्सा रुस्सा कूद लेते हैं, थोड़े से घास फूस हमारे यहाँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो नाम टिंकू है। टिंकू तो मेरा नाम है भाई। हाँ, टिंकू नाम रख दिया मैंने। ये क्या बना के ले गया है? बड़ा ठंडा है, लाइट कर रहा हूँ। वाह, सही है। अब 6 कमरे थे, मैंने बोला इसको ना वार्डरोब बना देते हैं, कुछ भी पहना और चल दी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, ये जब आते थे ना नहा के मेरे कपड़े कैब, कभी मैं नहीं कभी पाए नहीं, हमने कपड़ों के झंझट में खुद कपड़े लेंगे अपनी। साडे कपड़े देख ला कपड़े, हम नहीं कर सकते कपड़े में। सारी कैब, मेरी घड़ियां, चश्मे, मतलब कुछ भी चीज आउट है, समझ गए। सर्दियां गर्मियां दे चेंज होते हैं। हां, तो यहां पे मतलब ये है कि अब सुबह उठे जिम में कुछ भी पहनेंगे, छत पे तो जाना होता है, कुछ भी पहनो। अभी तो थोड़ा खराब हो गया, ऐसे हमने पहले किया होता है, ऐसे पूरा व्हाइट अलग, क्रीम अलग, ब्लैक अलग, लाइट येलो, डार्क येलो, ऐसे प्रॉपर सेट किया होता, थोड़ा सा खराब हो गया। यानी इसका फ्यूचर सेट कर रहे हैं इसी में, गेमिंग में, लेकिन अब गेमिंग से ऊपर कुछ नहीं आज के लिए, ब्लॉगिंग से भी ऊपर है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये इतना एक्सपर्ट है, बहुत तगड़ा, मतलब आप उंगली नहीं चला सकते भाई। फिर बेटा तो देखो किसका है, मेरी तो मानना पड़ेगा। अब हमें ना इसका पहले नीचे था, हमने इसको ऊपर से कर लिया कि नजरों पे रहे। हाँ, जब नीचे होता है सबके साथ, मतलब इसको ऐसा है कि 24 आवर्स में सिर्फ ना 30-40 मिनट्स ही गेम करनी है, बस इतना फिक्स रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं खेलनी, बस एडिक्शन ना हो। ये सब जो भी आपने किया ना, ये बंदे वो करते हैं जिनका गरीबी में जन्म होया होता है और जिनके शौक होते हैं, ये चीजें शौक से बनती है। सेम लाइक अफसाना है, बहुत शौक है मुझे, जरूरी है। देखो बहन, कुछ नहीं देखा ना वो, उसको पता है कि मुझे क्या सेट करना है। लोगों ने सिर्फ हमें ये देखा कि ये बन के सामने आ गए, ये नहीं देखा कि कैसे बने, कौन सा था, इनको रोटी मिलती थी या नहीं, सोने का पानी पहन के चला के दिखाओ आप इनको नहीं आना, आप चला के दिखाओ, मुझे नहीं आता। तो क्या है ना कि जो मेरे फादर साहब थे चांदी के ऊंटे पे सोने का पानी फेर के, और वो मिस्त्री थे, तो वो सबको ऐसे ज्यादा काम कर फटाफट चल काम कर, तो उनको शौक था। तो आज वो नहीं है, तो भाई मैं रहता कि यार आज वो होते तो हम इनको पांव में भी सोने का बना देते। वही तो बात है, पर वो शौक ना मैं इनके पूरे कर रहा हूं सारे। सही है कि भाई तुम भाई नाले बंदे का फिर रह भी की जाता है, बच्चे बीवी बस उसके लिए। भाई ये लोग नहीं समझते, उनको लगता है हमारी, जितना मर्जी समझा लो नहीं समझ, लोगों को लगता है कि हमारी असली दुश्मन हमारी बीवी है, ये माइकल है, बाप है मेरी, माँ मुझे खुल के करने नहीं देती। जब वो किसी अड़चन में फंस जाते हैं ना, तो सबसे पहले बीवी आ जाती है कि मुझसे गलती होगी, फिर क्या कि माँ को तुम सही कहते थे, बाप को कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस सही था। जब वो उस खड्डे से दोबारा निकल जाते हैं फिर बोल जाते हैं। वही तो बात है, ये समझ कम ही आता है लोगों को, बट हार्ड वर्किंग, हार्ड केरी सैंडर्स डायमंड होते तब मिलते हैं। आपके बहुत सारे आए, आपका नाम ही पूरी फैमिली का डायमंड में लिखा जाए। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, नमस्कार, बाय बाय, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी बहन का गाना आने वाला है बहुत ही जल्दी, कमाल का, भाई का भी आने वाला, वेट एंड वॉच, 5 का तो फिर जबरदस्त है, सरप्राइज है वो आया। आप साज ब्लॉग उसको सब्सक्राइब करो। हाँ, साज ब्लॉग का मैं लिंक डाल रहा हूँ, अफसाज का और साज, अफसाज लिंक है यहाँ पे, और इसको जाके फटाफट फॉलो सब्सक्राइब कर दो। हमारी जो बहन है स्टेज शो करती है, बहुत सारी खतरनाक चीजें, मिनी व्लॉग्स बनाती है ना, शुरू की है, इतने बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ जितने भाई हैं, नहीं कोई बात नहीं, एक्सपर्ट कर देंगे। अफसाज ब्लॉग को फॉलो कीजिए जल्दी से जाओ, और ये मेरी स्नैपचैट आईडी है, क्योंकि व्लॉग से पहले सारी चीजें मैं यहाँ डालता हूँ, ये भी सब्सक्राइब कर लो।